अयोध्या में राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह को लेकर उज्जैन में हिंदुवादी संगठनों द्वारा निकाली जा रही वाहन रैली पर धर्म विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया। इससे कई वाहनों के कांच टूट गए। पथराव में रैली में जा रहे 9 लोग घायल हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों के आमने सामने होने पर तनाव फैलने के बाद क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर निधि संग्रह किया जा रहा है। इस संबंध में टावर चौक से महाकाल मंदिर के समीप स्थित भारत माता मंदिर तक दोपहिया वाहन की रैली निकाली जा रही थी। हिंदुवादी संगठनों की रैली बेलगाम क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी अचानक धर्म विशेष के लोगों ने अपने घरों और गलियों से निकलकर रैली पर पथराव शुरू कर दिया। इससे क्षेत्र में खड़े 2 कार, 2 ऑटो, 1 जीप व बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। पथराव के दौरान 9 लोगों को चोट भी लगी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला और फिर कलेक्टर आशीष सिंह मौके पर पहुंचे। इस इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला का कहना है कि वाहन रैली पर पथराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, हालांकि पुलिस ने तत्काल स्थिति नियंत्रित कर ली है। पथराव करने वाले बदमाशों को चिन्हित किया जा रहा है। घटना के बाद हिंदुवादी संगठनों ने पथराव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर महाकाल थाने का घेराव भी किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।